दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। भाई देवारा का पार्ट वन जो कि जस्ट रिलीज होने वाला है उसका ट्रेलर आ गया भाई, और हिंदी में इसको रिएक्ट करेंगे भाई। इसमें स्टार कर रहे हैं जूनियर NDR, साथ में सैफ अली खान जो कि ऑब्वियसली लगता है नेगेटिव कैरेक्टर में ही होंगे, साथ में जाह्नवी कपूर भी हैं, और ये अनिरुद्ध का म्यूजिक है भाई, तो म्यूजिक के मामले में तो कोई इसका इशू होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। सो देखते हैं कि इसकी कोई जो ग्लिम्स वगैरह है वो कुछ भी नहीं देखा भाई, छोटी छोटी कुछ आउट हुई थी मुझे हल्का हल्का याद है, लेकिन देखी नहीं थी। सो एक ही बार ट्रेलर ही देखेंगे, देखते हैं कैसा है। सो ऐसा करते हैं शुरू। हेयर भाई गो। आखिर कौन थे वो लोग? ना जात ना धर्म, डर। ओ मैन, ओ वाओ भाई, सिनेमैटिक सैफ अली खान, वाओ। जिन आंखों ने धैर्य के सिवा कुछ नहीं देखा था, आज पहली बार डर से भरी हुई थी। भाई ग्रैंड स्केल, ओ भाई। बहुत लंबी कहानी है, खून से समुंदर को लाल कर देने वाली कहानी, हमारे देवरा की कहानी। देवरा, अरे भाई म्यूजिक बैकग्राउंड नाइस। जीने की हिम्मत होनी चाहिए, किसी को मारने की नहीं। अरे तो तुमने फिर से ये करने की हिम्मत की, जो उस हिम्मत को मिटा देगा। स्वैग है भाई, पूरा स्वैग है। हम तेरा काम आने देते हैं। अच्छा पहले से जानते हैं के लिए। सिर्फ सही समय ही नहीं, सही हथियार भी मिलना चाहिए। ओके भाई, दोनों को एकदम बराबर पे रखा है भाई। थोड़ा खाना सीधा साधा बिल्कुल बुद्ध हो, कैसे बनेगी? क्या तू सरकार में लड़ने की सोच रहा है? अरे क्या बात कर रहे हो, मुझसे नहीं हो पाएगा। अपने बाप से भाई, हिंदी डबिंग बिल्कुल RRR की तरह है ना, आई थिंक सेम वॉइस आर्टिस्ट। अपने बाप से शक्ल मिलती है भाई, होते ही लौटा था। अरे भाई क्या शॉट पूरी करने गया है। अरे भाई यार सही था भाई, डबल की मैन वाला भाई। वो समुंदर पर गए हुए 2 साल बीत चुके थे। ओ जो मैंने समुंदर के अंदर देखा वो अभी भी मेरी आंखों के सामने है। अरे भाई यार क्या बात है भाई। डर को पार करके समुंदर पे गलत काम करने कोई उतरा। भाई बहुत ज्यादा एक्शन है भाई। ओके मैन, क्या बात है भाई, एपिक भाई, ग्रैंड स्केल एकदम। आज से एक लॉट ऑफ एक्शन मैन, देवरा। अरे भाई साहब क्या शॉट है भाई यार, सोचते कैसे हैं ऐसे, मानना पड़ेगा यार भाई। एपिक मूवी बनाने की कोशिश यही है, और बैकग्राउंड स्कोर तुम देख सकते हो अनिरुद्ध का भाई, भयंकर बैकग्राउंड स्कोर बज रहा है, पूरा कॉम्प्लीमेंट करता है भाई एकदम। और भाई एक्शन की क्या बात करें, जो सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह लिए हैं भाई साहब, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, और म्यूजिक भी जबरदस्त था, तो भाई इसको तो देखने में मजा आने वाला है, क्योंकि बैकग्राउंड स्कोर अगर ऐसी मूवी के साथ एकदम मैचिंग हो तो भाई वो लेवल बहुत ज्यादा उठ जाता है म्यूजिक के साथ। और आई थिंक यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला भाई, क्योंकि म्यूजिक में कोई कमी नहीं है और एक्शन में तो कोई कमी है ही नहीं। लाइक बिल्कुल एक्शन ही एक्शन है, देखने से पता चल रहा है स्टार्ट से लेके एंड तक, बहुत ही ज्यादा तगड़ा एक्शन हमने देखने को मिल रहा है। और जो डायलॉग्स हैं यार हिंदी वाले ना, खतरनाक डायलॉग्स हैं, ऐसा नहीं लग रहा है यार कि मतलब ऐसे ही लिख दिए डायलॉग, सॉलिड डायलॉग्स लग रहे हैं, सुन के मजा आ रहा है। और बैकग्राउंड स्कोर प्लस ऐसे डायलॉग्स एंड जूनियर NDR डबिंग आर्टिस्ट, जो वॉइस डबिंग आर्टिस्ट के लिए यूज किया, आई थिंक वो RR वाला सेम ही है भाई, और बहुत ज्यादा मैच कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है भाई, लग रहा है क्योंकि लाइक वॉइस तो फिट हो गई है ना कि जूनियर NDR की है ये ऐसी, तो भाई वो बिल्कुल मैच कर रहा है भाई, मजा आ गया यार देख के। सैफ अली खान भी बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे भी, आई थिंक ठीक ठाक बवाल मचने वाला भाई। एंड डबल रोल होने वाला है जूनियर NDR का यहाँ पे, बाप और बेटे का शायद से सेम चेहरा है उनका, और मुझे लगता है कहीं सैफ अली खान बाप या बेटे को, दोनों में से किसी एक को तो टक्का ही देंगे पार्ट में, पहले पार्ट में भाई। हाँ पार्ट वन है सो ऑब्वियसली भाई यहाँ पे स्टोरी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, तो उसके कोई इशू वगैरह रहेगा तो आई थिंक मूवी ठीक ठाक लाइक बिजनेस करेगी, क्योंकि भाई धमाल लग रही है। बाकी आगे देखते हैं इसके सॉन्ग्स वगैरह या क्या कुछ आउट होता है। इसका आई थिंक एक सॉन्ग आउट हो चुका है, और आई डोंट नो उसके बाद कितने सॉन्ग्स अभी और हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं इसको रिलीज होने में। September 27 को ये मूवी रिलीज होने वाली है। आपको इस मूवी का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। जय।